हेलो दोस्तों, मैं गुणजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजी ग्लोब। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे और मेरे जो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ईमेल, जीमेल या फिर याहू मेल में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे बनाया जाए। दोस्तों, इस बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इस पर क्लिक करके जो है इसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे जो है आप अपने खुद का जीमेल को खोल सकते हैं, वो भी आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखते दोस्तों, रहिए। आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में रहने वाले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं अभी मोजिला फायरफॉक्स को ओपन किया। उसके बाद आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर देख रहे हैं साइन इन लिखा, आप यहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ से भी जो है आप अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। और दूसरी टाइप जो है दोस्तों, दूसरी टाइप यहाँ पे आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे जीमेल लिख दीजिए। जीमेल लिखने के बाद आप उसको जैसे सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद ऊपर जो लिंक आया है यहाँ पे देखिए, जीमेल गूगल, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए क्रिएट अकाउंट, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए ये एक फॉर्म सा आ गया है। तो इसको जो है पहले जो है आपका अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पे, जैसा कि मैं एक अकाउंट बना के आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है आप नाम लिख दिए, सरनेम मतलब कि लास्ट नेम डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम, कोई भी एक यूज़र नेम डाल दीजिए जैसा मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आप सीरियली पासवर्ड ना डालें, जैसा कि 1 2 3 4 5 ऐसा ना डालिए, या फिर 1 1 1 2 2 2 ऐसा मत डालिए, या फिर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसा पासवर्ड मत डालिए, क्योंकि ये हैक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नियम दिया हुआ है पासवर्ड बनाने के लिए। कैरेक्टर विथ ए मिक्स ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल, मतलब कि लेटर होना चाहिए, अक्षर, नंबर होना चाहिए और सिंबल, तो इसको मिला के जो है 8 होना चाहिए, मतलब कि कैरेक्टर 8 होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों देखिए मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद आप कॉन्फर्म पासवर्ड डाल दीजिए दोबारा, जैसा कि मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। ये देखिए मैंने कैसे डाला है। आप जो है यहाँ पे कोई एक लेटर बड़ा भी डाल सकते हैं, ऐसा करके मैं जैसा डाल रहा हूँ अभी। मैंने ये जो मैंने डाला था ये छोटा डाला था, अभी मैंने इसको बड़ा कर दिया, ऐसा करके करके भी आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे रेड कलर का एक मतलब कि निशान आ गया है, मतलब कि ये जो है किसी ने ले लिया है इस यूज़र नेम को, जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है, डेट यूज़र नेम इज टेकन ट्राई अनदर, मतलब कि ये जो यूज़र नेम है ये किसी ने ले लिया है, तो मैं इसे ले नहीं सकता, तो मैं इसको जो है दूसरा दे देती हूँ। जैसा कि मैं अभी इंडिया लिख दिया, अभी डिजी स्काई इंडिया, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ अभी। तो दोस्तों ये देखिए, ये डिजीज का इंडिया जो है ये अभी रजिस्टर हो गया है, ये ईमेल हो गया है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, जैसा कि मैं अभी मेरा फ़ोन नंबर डाल देती हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे रिकवरी ईमेल डाल दीजिए, यहाँ पे आपका जो जो कोई भी रिकवरी ईमेल है। उसके बाद आप अपना यहाँ से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो डे है यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप अपना जो साल है
डेट ऑफ बर्थ का साल दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से जो है आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अपनी जो यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए क्लिक करके। क्लिक करने के बाद आप इसको इस नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो नॉट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप एग्री पे क्लिक कर दीजिए। नेट थोड़ा स्लो है तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है ये देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया अभी। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जीमेल अकाउंट मैंने जो बनाया था digiskyindia@gmail.com। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप जीमेल अकाउंट बना सकते हैं मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।